हेलो फ्रेंड्स, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। आई एम हरपाल सिंह, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जी एक ऐसे टॉपिक की जिसके लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि यूएस में फैमिली वीज़ा जो कैटेगरी है उसमें मुंबई एम्बेसी में क्या स्टेटस चलता है या चल रहा है, लाइक क्या ट्रेंड है। सो आज हम फैमिली वीज़ा जो इंटरव्यू डेट्स हैं जो अलॉट हुई हैं, ठीक है जी, किस किस को अलॉट हुई हैं, हम उसके बारे में, कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। आई विल टॉक अबाउट मोस्टली यू नो जितनी कैटेगरीज हम यूजली हम अप्लाई करते हैं, चाहे IR1, CR1 या F4 या F3 जो भी है, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वंस यू वॉच द वीडियो लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो। Let's start the video। हाँ जी, मैंने पीछे वीडियो डाली थी जी जिसमें फैमिली वीज़ाज़ के बारे में बुलेटिन शेयर किया था आपसे। आफ्टर दैट आई गॉट लॉट ऑफ यू नो कमेंट्स कि सर मुंबई में कितना क्या डेट्स चल रही हैं, इंटरव्यू की कैसे है। सो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, सो आई थॉट यू नो आई विल गैदर द इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करूँगा। सो हेयर आई एम। सो आज हम बात करेंगे जी फैमिली वीज़ाज़ के बारे में कि मुंबई में जिन लोगों को ऑलरेडी इंटरव्यू इशू की गई हैं वो लोग कौन है, क्या क्या यू नो उनके डेट्स थी। सो विल टॉक अबाउट विद टू स्टेप्स, DQ की बात करूँगा, डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाइड। जी हाँ, जो लोग USICS के बाद जिनका केस NVC के पास आता है वो अप्रूव किए जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाइड, ठीक है जी। उनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लीन चिट दे के उनको अप्रूव किया जाता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू डेट्स अलाइन की जाती हैं, ठीक है जी, एम्बेसी में। सो हम आज बात करेंगे डॉक्यूमेंटली क्वालिफाइड डेट्स के अकॉर्डिंग कि किस किस को कितना टाइम के बाद इंटरव्यू दिया गया, ठीक है जी। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जी F4 कैटेगरी। हाँ जी, वो जो F4 कैटेगरी है, यू नो दिस इज़ फॉर सिबलिंग्स एंड फैमिली ऑफ US सिटीजन। जी हाँ, जो भी भाई बहन हैं या फैमिली है US सिटीजन की, ये उसका उसकी कैटेगरी है, ठीक है जी। तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो मुंबई एम्बेसी में ना एट प्रेजेंट जिन लोगों को डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाइड करार दिया गया था लाइक इन जनवरी 2021, जी हाँ, जनवरी 2021 में जिन लोगों को डॉक्यूमेंटरी क्वालिफाइड स्टेटस दिया गया था, उन लोगों की इंटरव्यू डेट्स जो हैं वो दी गई हैं इस मंथ में। जी हाँ, जनवरी 2023, यस। सो जिन लोगों को ऑलरेडी क्वालिफाइड कह दिया गया है, दे आर स्केड्यूल फॉर द इंटरव्यू, दे हैव गॉट इंटरव्यू कॉल्स फॉर दिस मंथ जनवरी। जी हाँ, ठीक है जी। सो बहुत से लोग ये यू नो इसके लिए स्पेशली पूछते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये कैटेगरी ऐसी है फॉर सबसे ज़्यादा इसमें केस अप्लाई किए जाते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। यू नो अगर बात करूँ मैं, 14 से 15 साल 16 साल लग जाते हैं इस केस में ना, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो लेती है ना वो USICS लेती है, जो यू नो टीम डिसाइड करती है, उन पर बैकलॉग बहुत ज़्यादा है फैमिली वीज़ा का, तो सबसे ज़्यादा टाइम वो लोग लेते हैं। सो इसीलिए इसका टाइम ज़्यादा होता है नॉर्मली। तो अभी क्या है जी, 2 साल का गैप चल रहा है जिनको डॉक्यूमेंट्री क्वालिफायर स्टेटस दिया जा चुका है, यू गाइज गना गेट आफ्टर 2 ईयर्स जो इंटरव्यू डेट होगी, इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करें मुंबई एम्बेसी की, ठीक है जी। हम गल करते हैं जी F2A वीज़ा, ठीक है जी। आई स्पीक पंजाबी ऑल्सो, बीच बीच में हिंदी भी बोलूँगा, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं सर आप पंजाबी बोल दिया करो, सो फॉर यू गाइस बीच में पंजाबी भी बोल दूंगा, ठीक है जी, उसी से पंजाबी सुन लियो। सो F2A कैटेगरी है जी, स्पाउस एंड अनमैरिड चाइल्ड ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर। भाई किसी की वाइफ या कोई भी यू नो हस्बैंड हो, यू नो या फिर कोई अनमैरिड चाइल्ड है ग्रीन कार्ड होल्डर का, वो लोग इस कैटेगरी अंडर आते हैं, दोज पीपल कम अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है जी। उन लोगों का जिनका डॉक्यूमेंट्री क्वालिफायर स्टेटस दिया गया है जनवरी में 2021 में कि उनके पेपर ओके हैं, ठीक है जी, दे आर गुड टू गो, अप्रूव हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स उनके, उनकी इंटरव्यू डेट्स हैं वो भी जनवरी 2023 इसी मंथ में स्केड्यूल की गई हैं। जी हाँ, सो यू कैन सी इसमें भी 2 साल का गैप है, ठीक है। सो आफ्टर 2 ईयर्स दोज गाइज गॉट द इंटरव्यू, उन्होंने 2 साल बाद इंटरव्यू की डेट मिली है, ठीक है जी। सो ये सी जी F2A कैटेगरी। हुण गल करांगे जी F2B, ठीक है, ये सैकेंड कैटेगरी है।
एफ टू बी जी है चिल्ड्रन ऑफ यूएस सिटीजन ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है जी, जो यूएस सिटीजन के जो बच्चे हैं, जो उन्होंने बच्चे है 21 साल तो उपर है, जो 21 साल से ऊपर हैं उन लोगों को की कैटेगरी है ये। अगर इसकी बात करूँगी, अगर इनकी जो डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड स्टेटस उनको जो दिया गया था, मैं बार बार यही डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड स्टेटस बोल रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी पेपर वर्क अप्रूव कर चुकी है एनवीसी, ठीक है ना, एनवीसी मतलब नेशनल वीज़ा सेंटर पेपर वर्क अप्रूव कर चुकी है, ठीक है, उसके बाद वीज़ा देना होता, तो ये वो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। तो जिन लोगों को स्टेटस दिया गया है जी जनवरी 2021 में डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड का, उन लोगों की इंटरव्यू भी इस मंथ जनवरी में 2023 में स्केड्यूल की गई हैं, दे गॉट द इंटरव्यू लेटर्स इस मंथ के लिए 2023 में, तो इसमें भी 2 साल का गैप है, ठीक है जी। हाँ, ए लाइक ऑलमोस्ट जी फैमिली की कैटेगरी होंगी है, 2-2 साल का गैप इन्होंने सारे जी फिलहाल है, वो भी मुंबई एम्बेसी की गल करदा जो कि एफिशिएंटली काम करती है एज कंपेयर टू अदरस जो असी एक्सपीरियंस किए हैं। हुण गल करिए F3 कैटेगरी, यस विल टॉक अबाउट F3 कैटेगरी। इसके बारे में बात करूँ तो ये होता है जी मैरिड चाइल्ड ऑफ अ यूएस सिटीजन, यूएस सिटीजन का जो यू नो चाइल्ड है जो मैरिड है, ये उसके कैटेगरी है। इसमें जिन लोगों को 2022 जनवरी में डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड का स्टेटस अप्रूव किया गया था, उन लोगों को इस जनवरी में 2023 में इंटरव्यू अलॉट की गई है, ठीक है जी। सो इसमें तो कह लो भी 1 साल का गैप है, जल्दी यू नो अलाइन किया गया है। सो ये तो थी एफ कैटेगरी। नाउ अब बात करते हैं जी हुन IR1 CR1 कैटेगरी। तुम्हें पता है फैमिली कैटेगरी ये भी अंडर आती है, जिदे अंडर स्पाउस ऑफ अ यूएस सिटीजन, यूएस सिटीजन दे यू नो अदर वाइफ और हस्बैंड उनके जो स्पाउसेज हैं उस कैटेगरी को लाइक इस कैटेगरी में आते हैं। तो इन इसमें बात करें अगर जिनकी फरवरी 2022 में डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड स्टेटस दिया गया था, उन लोगों की इंटरव्यू अगले महीने फरवरी 2023 में अलॉट की गई हैं, जी हाँ 1 साल के बाद उनको इंटरव्यू अलॉट की गई है, ठीक है जी। ये मैं फिर से कह रहा हूँ दिस इज़ ऑल अबाउट मुंबई एम्बेसी, ये वहाँ की मैं डेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अगली बात करें जी दूसरी कैटेगरी IR5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जैसे F4 होती है ऐसे IR5 है। IR5 कैटेगरी है पेरेंट्स ऑफ यूएस सिटीजन, जी हाँ जिन लोगों के पेरेंट्स जो हैं लाइक जो उनके बच्चे यूएस सिटीजन हैं उन्होंने जोड़े पेरेंट्स है वो अप्लाई करते हैं, वो IR5 कैटेगरी अप्लाई करते हैं। तो IR5 के जिन्हों लोगों की डेट जी है डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड की फरवरी यू नो फरवरी 2022 सी लाइक एनी डेट जो भी 25 यू नो उन्होंने जी इंटरव्यू डेट है वो नैक्सट मंथ फरवरी 2023, यस उन लोगों की फरवरी 2023 में इंटरव्यू अलॉट की गई है। हाँ जी, तो एज जैसे मैंने बताया कि जो भी यू नो यूजली डेट्स हैं वो 24, 25, 20 ऊपर नीचे जो भी है मंथ की डेट आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 1 ईयर, जैसे एफ कैटेगरी में 2 साल का गैप है और जो IR CR1 या IR5 है इसमें 1 साल के बाद इंटरव्यूज अलॉट की गई हैं, ठीक है जी। सो यूजली होता क्या है कि जब NVCA अप्रूव करती है उसके बाद यू नो आपको डेट्स ही आती हैं, ज़्यादा टाइम USICS लेती है जैसे मैंने पहले बताया आपको। बाकी ये जो डेट्स हैं जो मैंने बताई हैं दिस डजंट मीन कि सभी को अलॉट की जाती है, जस्ट टू क्लैरिफाई यू गैस कुछ केसेस होते हैं जो थोड़े डिले भी जाते हैं, सो चिंता करने की लोड़ नहीं है, उन्होंने भी डेट मिलेगी, बट जड़ी मोस्टली 90% लोगों को डेट इशू कर दी जाती है, ठीक है जी। कभी कोई केस होंगे जो सेम डेट नू अप्रूव नहीं हो पाते या डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड नहीं हो पाते उन्होंने बाद में दी जाती है, ठीक है जी। चलो जी, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर टुडे एंड आई होप तुसी इस यू नो मैं डेट्स का आइडिया देता है यू नो फ्रॉम मुंबई एम्बेसी तुहानू आइडिया हो जाएगा, यू कैन गेट आइडिया कि आपको आपका यू नो डेट इंटरव्यू डेट कब आ सकता है, ठीक है जी। तो आई होप यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यूज इन्फॉर्मेशन वाइजली, ठीक है जी। चलो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।